इंदौर की विजयनगर पुलिस ने बांग्लादेश की युवतियों को इंदौर लाकर देह व्यापार करवाने के मामले में दो आरोपियों को गुजरात से पकड़ा है। पूरे मामले में पुलिस अब तक दो दर्जन से अधिक युवतियों को मुक्त करवा चुकी है। वहीं गुजरात से पकड़ाए गए आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। दरअसल विजयनगर पुलिस ने पिछले दिनों क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर बांग्लादेश की युवतियों को देह व्यापार के अड्डे से मुक्त करवाया था। अलग अलग क्षेत्रों से पुलिस 20 से अधिक युवतियों को मुक्त करवा चुकी है। इसी कड़ी में पुलिस ने गुजरात के सूरत से दो आरोपियों पीटू बंगाली और हारून सैयद को पकड़ा है। ये दोनों ही बांग्लादेश से युवतियों को लाकर अलग अलग जगह भेजते थे। कुछ युवतियों को देह व्यापार के अड्डे से मुक्त कराया गया था जो बांग्लादेश की रहने वाली थी, जिन्हें झांसा देकर एक गैंग बाकायदा यहाँ लेके आती थी और इंदौर और आसपास के शहरों में उनसे देह व्यापार कराया जाता था। इस उनमें जो 10 आरोपी पकड़ाए थे उस गैंग के, उनमें से पूछताछ के दौरान कुछ आरोपियों से जानकारी मिली थी कि ये गैंग के तार दूसरी जगह अन्य स्टेटों में भी जुड़े हैं। इसके आधार पर ही गुजरात से के सूरत से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो मुख्य एजेंट थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। नहीं, अभी यहाँ पर तो हम लगभग 20 युवतियों को बरामद कर चुके हैं और वहाँ पर जब ये बताया गया था तो ये पता चला था ये लोग वहाँ से बंगाल से पास करा के महाराष्ट्र और गुजरात में सप्लाई करते हैं। तो उसमें जो मुख्य एजेंट थे टीटू बंगाली, उसका जो साथी था दूसरा आरूज सैयद और टीटू बंगाली, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है सूरत से और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है और माना यह जा रहा है कि इन आरोपियों की निशानदेही पर कई बांग्लादेशी युवतियों को पुलिस जल्द ही छुड़वा सकती है।